क्योंकि आजकल जो हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसमें आधी चीज़ें तो ऐसी है जिसका हमें ही नहीं पता कि उसका आगे क्या यूज़ है। बच्चे हमसे पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, हमारे पास उसका बहुत चीज़ों का हमारे पास आंसर नहीं होता है और हम उनको पढ़ा रहे हैं, वो उनको रटते जा रहे हैं, पर उसका आगे वो कई बच्चे कई लोग हमारे साथ और भी हैं जो इस मतलब शिक्षक नहीं हैं, वो कहते हैं हमने मैथमेटिक्स तो किया, हमने इंजीनियरिंग में भी किया, पर अभी तक जिंदगी में हमने उन चीज़ों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ एक प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के अलावा हमने और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, पर हम ये करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। और जो इसमें उत्तीर्ण होता है, जो ये सब रट के कर जाता है इस परीक्षा में, उसको आगे मान लिया जाता है। और चाहे उसका अपने दिमागी तर पे उसको कुछ भी ना पता हो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बट वो करता जा रहा है, उसका क्या फिर उसका फायदा हो रहा है? सारी सृष्टि तो गणित की देन है और सारी सृष्टि का ज्ञान गणित से हो सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों गणित से सिद्ध हो सकता है, यही आजकल मैं लिख रहा हूँ। केवल अर्थ ही नहीं, और जो गणित के ज्ञान व्यवहार में प्रयोग में नहीं आ पाते हैं, पढ़ाने वाले की मेधा शक्ति तीव्र हो तो व्यवहार में उनका प्रयोग सिखाया जा सकता है और किया जा सकता। देश काल और वस्तु की गणना गणित के माध्यम से होती है, और गणित के बिना कोई मशीन या यंत्र बन ही नहीं सकते। गणित का उपयोग ज्योतिष में होता है, रेखा गणित में होता है, सृष्टि की संरचना में गणित का उपयोग होता है, सारे व्यवहार में गणित का उपयोग होता है। और यह गणित का उपयोग मैं बता रहा हूँ। भूख सगुण ये बच्चे बोलेंगे, ये दोनों हैं, कोई भी भूख साकार है या निराकार है? भूख को आंख से देख सकते हैं या नहीं? भूख को निराकार है और सगुण भी है। सगुण निराकार भूख है, भोजन सगुण साकार। अब गणित यहाँ काम दे रहा है या नहीं? भृगुजी सुन रहे हैं, कितनी भूख लगी है? भूख क्या है? सगुण निराकार। भूख साकार नहीं है ना, आंखों का विषय नहीं है, और निर्गुण तो परमात्मा है। सगुण निराकार भूख है, भोजन जो है सगुण साकार। भोजन की क्षमता कैपेसिटी का ज्ञान हो यह आवश्यक है। जिस भोजन सामग्री से हम परिचित हैं उसमें कितना गुरुत्व है, कितना लघुत्व है, कितना हल्का है, कितना भारी है, तो सगुण साकार भोजन को देखकर अब गणित काम कर रहा है या नहीं? जितनी भूख है उतनी भूख की पूर्ति इतने भोजन से हो जाएगी। अब ये गणित हुआ या नहीं? अच्छा, प्यास जो है वो क्या है? सगुण निराकार। अब पानी जो है वो सगुण साकार। अब गणित, गणित के बिना व्यवहार कैसे चलेगा? इतने घूट पानी पीने पर इतनी प्यास की निवृत्ति हो जाएगी, है या नहीं? बिना गणित के व्यवहार। अच्छा, अब ड्राइवर है, बिना गणित के वो चला सकता है क्या? वो इतनी स्पीड से सामने से गाड़ी आ रही है, मेरी कार इतनी स्पीड से जा रही है, कैसे क्रॉस कर लूंगा? वहां गणित में चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। दोनों में कोई भी ड्राइवर गणित में चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए सारा व्यवहार तो गणित से चलता है, गणित से ही सारा व्यवहार चलता है। बाकी जिसका प्रयोग जोड़ घटा गुणा भाग, अच्छा गणित की कोई भी पहेली ले दीजिए जिसमें गुप्त या प्रकट जोड़ घटा गुणा भाग का योग ना हो। क्यों अजय शर्मा जी? गणित का मतलब क्या है? जोड़ घटा गुणा भाग को दो में पहले करते हैं, योग प्लस, घटाओ ऋण माइनस, इसी का विकसित रूप है गुणा और भाग। क्या जोड़ घटाओ का विकसित रूप क्या हो जाता है? गुणा और भाग। बाकी जितने प्रकल्प हैं गणित में वो सब जोड़ घटा गुणा भाग के बिना हो ही नहीं सकते। इसलिए पूरा गणित जो है जोड़ और घटाओ, जोड़ घटाओ का अर्थ क्या है? संयोग और वियोग व्यवहार।
और अंत में बनना बिगड़ना, सारी सृष्टि तो गणित के साथ लगी हुई है। जो ग्रंथ अभी लिखा है 150 पृष्ठों में, उसमें यही सिद्ध किया गया है, सारा व्यवहार गणित से चलता है।